चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूँ आपको। आज चुनाव संपन्न हुए हैं, उनका आज रिजल्ट आ रहा है, आपको पता ही है, जिसमें 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो सुबह से मेरे पास सैकड़ों कॉल्स आ रहे थे, तो मैंने कहा वीडियो बना के ही आपको एड्रेस करूं और जो भी रिजल्ट्स रहे उनके बारे में आपको मैं बताऊं। 5 राज्यों के चुनाव थे जिसमें बंगाल बहुत महत्वपूर्ण था और इस पर मैंने कई वीडियोस भी दिए थे। बंगाल का जो भी मैंने एनालिसिस दिया था वो बिल्कुल गलत हुआ, कोई इफ बट नहीं। मैंने बोला था कि गलत होगा तो मैं जिम्मेदार, सही होगा तो मैं जिम्मेदार। तो वो एक विशेष तरह का हमारा सिस्टम है, उससे हम निकालते हैं उसको। वो फेल किया, वो सफल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बाकी जगह पे, कई जगह पे वो सफल हुआ है और यहां पर भी सफल हुआ है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कोई बहानेबाजी नहीं। पहली बात, बंगाल में मेरा जो भी प्रेडिक्शन था वो पूरी तरह से गलत सिद्ध हुआ, बिल्कुल फैक्ट है, नो डाउट। लेकिन बंगाल के बारे में किसी का भी एनालिसिस, चाहे वो राजनीतिक पंडित हो, चाहे वो एग्जिट पोल्स हो, चाहे वो ओपिनियन पोल्स हो, चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर्स हो, किसी का भी एनालिसिस सटीक नहीं बैठा है। विशेष बात, मैं मानता हूं कि कुछ लोगों ने कहा होगा कि ममता दोबारा से आ रही है, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा होगा कि ममता इतनी सीट से आ रही है। इसलिए किसी ने नहीं कहा होगा कि कांग्रेस को और वाम को कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 सीट या 1 सीट या 3 सीट, किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा। इसका मतलब है होल ऑफ द सिस्टम इरिस्पेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स को भूल जाइए, जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, जितने भी लोग थे, वो सब एक तरफ से फेल हो गए। इसका मतलब कुछ ना कुछ रीजन होगा। अब देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों पर हमारा किसी के ऊपर भी बाद में किसी तरह का इफ बट करने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए पहले मैंने खुले दिल से माना है कि हां मेरा एक ये प्रेडिक्शन या एनालिसिस गलत हुआ है। शायद आप लोगों की प्रतिक्रिया इसलिए आ रही है, बहुत बार बार आप पूछ रहे हैं क्या हुआ गुरु जी, ये गलत कैसे हो गया बंगाल का। अभी हम आपको इसीलिए इस वीडियो से दे रहे हैं, आपको आदत पड़ गई शायद मेरी कभी प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा गलत नहीं होती हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि हाँ, अगर हम 10 प्रेडिक्शन करते हैं तो एक गलत भी हो सकती है, 100 करते हैं तो 10% का मार्जिन तो, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है। बड़े बड़े वैज्ञानिक जो कि पूरी तरह से फिजिक्स या फिर दूसरे सिद्धांतों पर काम करते हैं, कैलकुलेटिव एक एक सेंटीमीटर से, उनके उनसे भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, नहीं तो हमारा चंद्रयान फेल नहीं हो गया होता, या फिर इतने जो हमारे और एक्सपेडिशन है वो फेल नहीं हुए होते, या फिर कोरोना के बारे में अभी रोज नई नई थ्योरीज आती हैं और दूसरे दिन काउंटर हो जाती है, ऐसा नहीं हुआ होता। कितने भी बड़े मैथमेटिशियन हो, कितने भी बड़े फिजिसिस्ट हो सकते हैं, या फिर और बड़े कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, गलती सब में हो सकती है। और इसीलिए अगर गलती नहीं होगी तो हम भी अपने को ईश्वर समझने लगेंगे, हम भी कहेंगे हम ईश्वर, हमने जो बोल दिया वो फाइन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ईश्वर तो एक ही है। तो इसलिए गलती पूरे, आप लोग भी ये सोच के चलिए, गलती हो सकती है और हमेशा किसी भी कैलकुलेशन में, किसी कोई भी मशीन बना दीजिए उसमें गलती के चांस होते हैं। पहला बनाया गया था, आपको याद होगा, जहाज बनाया गया था और यह कह के बनाया गया था कि कभी डूबेगा नहीं, और वो अपनी पहली जल यात्रा के दौरान ही डूब गया था, उसमें कितना खर्च किया गया था। तो कहने का अर्थ क्या है कि गलती की संभावना हर जगह होती है, रोज मिसाइल टेस्ट होते हैं, रोज यान टेस्ट होते हैं, गलतियां होती हैं। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजें बताऊंगा जरूरी है, उसके एक्सक्यूज के लिए नहीं है, वो तो जो है वो है, वो गलत हो गई भविष्यवाणी। जैसे आप देख सकते हो कि कांग्रेस और जो दूसरे जिनका समूह था वाम दल का, 1 या 2 सीट आई है, कोई उन्होंने वहां पर कोई किसी तरह का कन्विंसिंग नहीं की, बड़े बड़े लीडर्स उनके नहीं गए, पता ही नहीं चला कि वो थे कि नहीं थे।
मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था कि सब मिलके एक साथ लड़ेंगे, याद करो। और ये हो सकता है कि वहां पे कैंडिडेट ही बहुत बेकार खड़े करें जिससे कि एक पक्ष को फायदा मिल सके। आप देख लीजिए जितने भी वोट परसेंट थी कांग्रेस की और वाम दल की वो सब एक तरफ हो गई। दूसरा एक तरह से ध्रुवीकरण, आप देख लीजिए ये भी कि एक वर्ग का वोट एक जगह गया पूरा। ये भी एक महत्वपूर्ण कि हमें किसी भी हालत में इस पार्टी को हराना है, बीजेपी को हराना है। तीसरा बिंदु, बीजेपी ने जो सौरभ गांगुली को लेना था वो नहीं लिया, उस समय तक पक्का था, या फिर वहां कोई लोकल लीडर चीफ मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर नहीं किया। चौथा पॉइंट, टीएमसी से जितने भी आए सबको स्वीकार किया और ज्यादातर लोगों को टिकट दे दी। पांचवा पॉइंट, दीदी को चोट लग जाना और फिर उसको कहना कि ये तो मारी गई है। छठा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बताना कि ये हमारे ऊपर आघात हो रहा है और ये सब मिलके हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी पॉइंट्स आप समझ ही सकते हो, आप लोग ज्यादा रोज न्यूज भी देखते हो, रोज समीक्षा भी करते हो, ये सभी पॉइंट्स मिलके निश्चित तौर पर एक ऐसा एक परसेंटेज बन गया जाके कि वहां तक बीजेपी नहीं पहुंच पाई। तो जो राजनीतिक जो भी ये होते हैं विश्लेषण, इसमें एक चीज काउंट नहीं करती है। इसमें ऐसा नहीं कि एक कुंडली देख ली और बस की कर दिया कि अब ये मोदी है तो ये मोदी क्या पूरे देश को जीत लेगा, नॉट लाइक दैट। लोकल लीडरशिप क्या है, उनके चार्ट क्या कह रहे हैं, है ना, परिस्थितियां देश काल परिस्थिति क्या है। मैं हमेशा कहता हूं आपको इन चुनावों में कि अन्य परिस्थितियां समान रहने पर, तो अन्य परिस्थितियां समान नहीं रही। आप देख लो कई जगह पर कोरोना भी आ गया लास्ट में, तो शुरू से लास्ट तक कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां, पहला अभियान पहला फेस शुरू नहीं हुआ था और दीदी के चोट लग गए। खैर ये कोई, मैं केवल वो चीजें बता रहा हूं जो इसका कारक हो सकती हैं, इसका कारण हो सकती हैं, क्योंकि चुनाव में एक छोटी चीज भी बहुत बड़ी बन जाती है। वो आपकी व्यक्तिगत कुंडली वहां काम नहीं करती है। व्यक्तिगत कुंडली वहां काम कर सकती है कि आप जीतोगे हारोगे, दो कैंडिडेट की कुंडली आपने देख ली, यस ये इसके चांस ज्यादा है, ये जीतेगा ये नहीं जीतेगा, ये तो ठीक है। लेकिन जहां इतना समूह होता है वहां पर आप उसको कैलकुलेट एक उससे नहीं कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि मेरी भविष्यवाणी बार बार ये जो मैंने बताया छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, अपने उसको मैं पहले ही पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर चुका हूं कि बंगाल की भविष्यवाणी मेरी इस बार पूरी तरह से गलत हो गई। लोकसभा में बिल्कुल सटीक हुई थी, 18 सीटें बताई थी बीजेपी को, 18 आई थी, दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी को बताई थी 22 या जो भी वो उसको आई थी, एग्जैक्टली उतनी आई थी ना। तो अब अगर वो हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई, बंगाल के बारे में ये गलत हो गई, तो फिर हमें लगता है दूसरी भी गलत हो जाएगी कि यहां पर फिर ममता बनर्जी जीत जाएंगी, क्योंकि एक गलत हुई है उन्हीं चार्ट्स के आधार पे और उन्हीं देश काल के आधार पे, दूसरी भविष्यवाणी भी की गई थी कि उसमें वो जीत जाएगी। तो अभी चुनाव पूरी तरह से नहीं हुए हैं पूरे, अभी आएगा रिजल्ट, तो फिर इसका मतलब वो भी गलत होगी। तो हमने इसीलिए पहले ही कह दिया बंगाल के बारे में हमारी भविष्यवाणी गलत हो गई, जो भी भविष्यवाणी मैंने दी उसके बारे में दो ही दी थी शायद, दोनों गलत हो गई। अब चलिए अगले राज्यों के बारे में, बाकी राज्यों की सब सही है। देखिए मैंने बोला था कि तमिलनाडु में डीएमके अस्तित्व में आएगी, डीएमके अस्तित्व में आई, फिर बोला था कि आपका जो अगला केरल है उसमें एलडीएफ आएगा, एलडीएफ आ रहा है, फिर मैंने बोला था पुडुचेरी में बीजेपी आएगी, बीजेपी आ रही है, फिर उसके साथ केरल में बोली दिया था एलडीएफ और तमिलनाडु में डीएमके, असम में फिर एक बार बीजेपी बोला था बीजेपी आ रही। तो असम में और पुडुचेरी में बीजेपी वापसी कर रही है ऐसा बोला था, तमिलनाडु में डीएमके आएगी आ रही है, और जो एक केरला रह गया उसमें जो एलडीएफ है वो आ रही। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है एक राज्य की भविष्यवाणी गलत हुई और वो भी मात्र दो रिलेटेड थी उससे। अब जो एक गलत हुई तो दूसरी भी गलत होगी हमें ऐसा लगता है, लेकिन बाकी चार राज्यों की भविष्यवाणी अपनी जगह पर है, वो बिल्कुल सही और सटीक बैठी। तो इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 100 भविष्यवाणी करेंगे तो 100 की 100 सही बैठेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है रॉ मटेरियल पे, डाटा पे, जो डाटा हमारे पास मौजूद होगा हम तो उसी आधार पे कैलकुलेट करेंगे। और वो डाटा अगर मान लीजिए हमारे पास ठीक नहीं है या वो अपर्याप्त है तो फिर क्या होगा, हमारे जितने भी उसके रिलेटेड जो जजमेंट निकलेंगे, जो इन्फरेंस निकलेंगे वो गलत निकलेंगे, और इसकी हम समीक्षा करेंगे कि आखिर कौन से डाटा हमारे पास ठीक नहीं थे, उनको नए डाटा हम अवेलेबल कराएंगे
कि ये सब डाटा का है खेल, हमें कुछ नहीं, हमें तो आपकी कुंडली बनानी है, उसी से तो निकालना है सब कुछ। मान लो वो गलत हो तो हम क्या कर सकते, तो इसलिए हम पल्ला नहीं झाड़ रहे। फिर कह रहे हैं आपसे हम पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं बिल्कुल भी, वो तो हम स्वीकार कर ही चुके हैं खुले दिल से, लेकिन फिर भी आपको बार बार बता रहे हैं कि राजनीतिक भविष्यवाणी में कई चीजें एक साथ रखनी पड़ती हैं और तब उसका सही रिजल्ट निकलता है। तो फ्रेंड्स यस, वेस्ट बंगाल आई एक्सेप्ट इट कि वो गलत हुई है, बाकी चार राज्य हमारे बिल्कुल सटीक बैठे हैं और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि और राज्यों की भी, तो बिल्कुल गलतियों की संभावनाएं रहती हैं, हर जगह गलती की संभावना रहती है। एक कदम आप आगे बढ़ाते हो, अगर कदम ठीक नहीं है तो गिर जाओगे निश्चित तौर पे। जो काम करते हो उसमें गलती के चांस रहते हैं, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, गलतियों के चांस हमेशा रहते हैं। आप जब भी कोई काम करते हो तो ये मत सोच के चलो कि हमसे कोई गलती नहीं होगी या दूसरे से कोई गलती नहीं होगी, गलती के पूरे चांस रहते हैं और वो गलती हमसे भी हो सकती है। और मैंने बता दिया कि वो 10% का माइनस प्लस करके रखिए, जरूर कोई भी होता है रख के चलता है, इतना तो रखना पड़ता है। तो एक हमारी भविष्यवाणी बहुत दिनों के बाद गलत हुई है, कोई बात नहीं, आगे और प्रयास करेंगे और अच्छा रखने का। आप लोगों का इतना प्यार है हमसे कि आप लोग चाहते हो कि 100 में से 100 सही निकले, तो वो थोड़ा सा असंभव है, कोशिश मैं पूरी करता हूं, थोड़ा सा इतना नहीं हो सकता, आप खुद समझ सकते हो, लेकिन आप लोग का प्यार सर आंखों पे, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको और ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां देता रहूं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।